तो हे नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे आपके चैनल पे एटमिक्स में। आशा करता हूँ आप और आपके पेट्स हेल्दी होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डोबरमैन के 10 प्रॉब्लम के बारे में। दोस्तों, आप सभी की बहुत डिमांड आ रही थी कि डोबरमैन के बारे में बनाए, तो दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए। तो दोस्तों, शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखना। और दोस्तों, जैसे कि रॉटवाइलर, लैब्राडोर और जर्मन शेपर्ड के बारे में भी इन्हें 10 प्रॉब्लम के बारे में बताया, तो आपको आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, या फिर वीडियो के एंड में भी आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों, आज हम एम रखते हैं कि दोस्तों आप कम से कम 700 लाइक ज़रूर से कंप्लीट कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वैसे तो डोबरमैन काफ़ी हेल्दी ब्रीड होते हैं, इंटेलिजेंट डॉग ब्रीड होते हैं और अपने फैमिली के लिए काफ़ी लॉयल होते हैं। बट दोस्तों, जो हमारी सबसे पहली प्रॉब्लम है वो है कि ट्रेनिंग। दोस्तों, इन डॉग को ट्रेनिंग की सख्त ज़रूरत होती है। बचपन से ही आप इन डॉग को ट्रेनिंग ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप इन्हें ट्रेनिंग नहीं देते प्रॉपरली तो दोस्तों ये एग्रेसिव हो सकते हैं। तो दोस्तों, इसलिए इन डॉग को ट्रेनिंग देना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप कहीं बाहर ले जाते हो, कहीं घुमाने ले जाते हो, तो दोस्तों कभी कभार आपकी बात नहीं मानते। अगर आप इन्हें प्रॉपरली ट्रेन करते हो दोस्तों, आपकी हर बात ये मानेंगे। तो फ्रेंड, जो सेकंड प्रॉब्लम है वो है कि फर्स्ट टाइम डॉग ऑनर के लिए डोबरमैन सही है या नहीं है। दोस्तों, ये डिपेंड करता है आप पे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम होते हैं और डोबरमैन एडॉप्ट करते, और कई कई लोग ऐसे होते हैं फर्स्ट टाइम होते तो भी डोबरमैन को जो एडॉप्ट करते, फिर आगे जाके अगर वो अच्छी देखभाल नहीं करते तो दोस्तों उनको प्रॉब्लम आ सकती है। तो दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि आपको डॉग के बारे में सब कुछ पता है, आप अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, तो दोस्तों आप इनको जो है बाय कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते दोस्तों, अगर आप सेकेंड टाइम डॉग ऑनर, तो दोस्तों आपके लिए तो काफ़ी अच्छा रहेगा ये डॉग ब्रीड। तो दोस्तों, जो थर्ड प्रॉब्लम है वो है कि डोबरमैन के ईयर स्टैंड नहीं होते। तो दोस्तों, इसके लिए अगर आपको वीडियो बनानी तो मैं ज़रूर से बना दूंगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। क्योंकि अगर आपके डोबरमैन की एज ज़्यादा हो गई तो भी इनके ईयर स्टैंड नहीं होते, तो आपको पता नहीं चलता कि ये प्योर है या फिर इसको कुछ तकलीफ है, कुछ और प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं ज़रूर से इसकी वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा और इधर यहाँ पर आई बटन में भी डाल दूंगा, जिसके कारण आप देख सकोगे। तो दोस्तों, जो फोर्थ प्रॉब्लम है वो है कि इन डॉग को अगर कोई स्ट्रेस या फिर कुछ ऐसी चीज़ देखने को मिलेगी जिसके कारण आपको नुकसान पहुंच सकता है, तो दोस्तों ये डॉग काफ़ी ज़्यादा भौंकते हैं, और दोस्तों इतने भौंकेंगे दोस्तों आपको इनको कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो ये बहुत सारे डोबरमैन में ये चीज़ देखी गई है। बेबीज़ के साथ रहना, दोस्तों अगर आपके घर में बेबीज़ या फिर आपको आप डॉग एडॉप्ट करना चाहते हो और आपके घर में बेबीज़ है, तो दोस्तों बचपन से इन डॉग को आप बेबीज़ के साथ रखिएगा तो ये काफ़ी अच्छे रहेंगे। अगर आपका डोबरमैन एडल्ट है और दोस्तों आपके घर में बेबीज़ है, तो दोस्तों वहाँ पर कोई बड़ा होना ज़रूरी है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप बचपन से इन्हें लाते तो बचपन से बेबीज़ के साथ रखिएगा, तो काफ़ी फ्रेंडली रहेंगे आपके बेबीज़ के साथ। अगर आपका डॉग एडल्ट है और बेबीज़ आपके घर में आया, तो दोस्तों कोई वहाँ पर बड़ा होना ज़रूरी है थोड़े दिन के लिए, फिर इन डॉग को आदत पड़ जाएगी और बेबीज़ के साथ काफ़ी अच्छे से रहेंगे। तो दोस्तों, जो फाइव प्रॉब्लम है हमारी वो है कि स्किन इन्फेक्शन। दोस्तों, इन डॉग को स्किन इन्फेक्शन का ज़्यादा खतरा होता है, क्योंकि इन डॉग को अगर कुछ खाने में आ गया या फिर कुछ लग गया, घाव वगैरह हो गए, तो दोस्तों इनके बाल भी झड़ सकते हैं और दोस्तों इनको स्किन इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। और कभी कभार कुछ ऐसे मौसम हो जाते हैं, कुछ ऐसे इन्फेक्शन फैल जाते हैं दोस्तों, इसके कारण इन डॉग को जो स्किन इन्फेक्शन हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आपको कुछ ऐसा लगता है तो डॉक्टर के पास आप तुरंत ही जाए। तो दोस्तों, जो सिक्स प्रॉब्लम है वो है कि प्रॉपरली एक्सरसाइज। इन डॉग को प्रॉपरली एक्सरसाइज की सख्त ज़रूरत होती है, तो दोस्तों आप डेली इन्हें वॉक पे और एक्सरसाइज कराने ज़रूर ले जाए, ताकि ये काफ़ी हेल्दी ब्रीड बना रहे। दोस्तों, कभी कभार कई डॉग ओनर ऐसा करते हैं कि इन डॉग को कहीं घुमाने ले जाते, वॉक पर नहीं ले जाते, तो दोस्तों ऐसे में आपका डोबरमैन गुमसुम बैठा रहेगा और घर पर एक जगह पर बैठे बैठे बोर हो जाएगा। इसलिए आप प्रॉपरली उनको एक्सरसाइज और डेली वॉक के लिए ज़रूर ले जाए। तो दोस्तों, जो सेवन प्रॉब्लम है वो है कि आप इनके साथ टाइम स्पेंड ज़रूर कीजिएगा। डोबरमैन को अपने ओनर के या फिर बच्चों के साथ रहना काफ़ी अच्छा लगता है और अपने फैमिली के साथ भी रहना काफ़ी अच्छा लगता है। दोस्तों, अगर आप ऑफिस में जाते हैं या फिर वर्क करते हैं, तो दोस्तों इनके साथ टाइम स्पेंड नहीं करते तो दोस्तों ये निराश हो जाते हैं। दोस्तों, ऐसे में आप कम से कम दिन में आधा घंटा या फिर 15-20 मिनट उनके साथ टाइम ज़रूर से स्पेंड कीजिएगा। कुछ टॉय वगैरह खेल सकते हैं या फिर उनके साथ कुछ मस्ती वगैरह कर सकते हैं, तो दोस्तों ऐसे में आपके डोबरमैन काफ़ी हेल्दी रहेगा और खुश रहेगा। तो दोस्तों, अगर आप टाइम स्पेंड नहीं करते तो दोस्तों कभी कभार कोई कोई डोबरमैन उदास हो जाते हैं, फिर खाना नहीं खाते। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप इनके साथ टाइम ज़रूर से स्पेंड ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, जो हमारी एट प्रॉब्लम है वो है कि दोस्तों वेदर। दोस्तों, क्या होता है कि डोबरमैन वेदर में अच्छे से रह लेते हैं, बट जैसे ही वेदर चेंज होता है, जैसे कि सर्दी आती है, गर्मी आती है, तो इनको ज़्यादा ध्यान की ज़रूरत होती है, इनके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है।
तो आप ध्यान रखिएगा सर्दियों के मौसम में उनको थोड़ी सी गर्माहट जरूर रखिएगा, और अगर आप घर के बाहर रखते हैं डॉग को तो घर के अंदर ला दीजिएगा, क्योंकि अगर उनको ज़्यादा ठंड लगती है तो बीमार होने के चांस है। और उसी तरह दोस्तों गर्मी में ज़्यादा उनको गर्मी लग सकती है, तो दोस्तों आप घर में कहीं जहाँ यहाँ पे एसी वगैरह लगी होगी या कूलर वगैरह अगर लगा हुआ वहाँ पर आप उसे रख सकते, थोड़ी ठंड वाली जगह पर रख सकते, जिसके कारण वो दोस्तों आसानी से रह सकेंगे। और ध्यान रखिएगा दोस्तों बारिश के सीज़न में भी आपको ध्यान बहुत देना पड़ेगा, तो डोबरमैन की हेल्थ जो है बिगड़ सकती है, वो बीमार पड़ सकता है। और फ्रेंड जो नाइन्थ प्रॉब्लम है वो है कि दोस्तों आप इनको अच्छा डाइट प्लान ज़रूर दीजिएगा। डोबरमैन को अच्छे डाइट प्लान की सख्त ज़रूरत होती है, नहीं तो दोस्तों इनकी बॉडी अच्छे से ग्रो नहीं होगी, उनकी हेल्थ अच्छे से ग्रो नहीं होगी और दिखने में भी काफ़ी कमज़ोर दिखेंगे। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों इनको अच्छा डाइट प्लान आप ज़रूर बनाएं। और दोस्तों जो 10th प्रॉब्लम है वो है कि इनको कुछ इन्फेक्शन या बीमारी हो सकती है, जैसे कि कैंसर, आई प्रॉब्लम, हिप डिस्प्लेसिया, एल्बो डिस्प्लेसिया, ऐसे इन डॉग को प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए टाइम टू टाइम आप डॉक्टर के पास ज़रूर चेकअप कराने ले जाए, जिसके कारण आपको पता चले कि आपकी डॉग की कंडीशन क्या है, जिसके कारण आप जल्दी से उसका इलाज कर सके और आपका डॉग हेल्दी और फिट रहेगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप सबको वीडियो अच्छी लगी, तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अभी तक आपने हमें इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, आप वहाँ पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, थैंक यू फॉर वॉचिंग।